इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ आज संपन्न होगा। बहुत सुंदर चर्चा योगियों के संदर्भ में यहाँ चल रही थी। निर्विकल्प होते हैं योगी, किसी भी तरह का विकल्प उनके चित्त में नहीं होता, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ आनंद नहीं है, और जहाँ आनंद है वहाँ विकल्प खड़े होते नहीं हैं। निर्विकल्पता का नाम ही अनुभूति है। निर्विकल्प अनुभव में ज्ञानी धर्मात्मा लीन होते हैं। आप देखिए, दुनिया के किसी भी विषय का अनुभव करना हो, जब तक विकल्प होंगे तब तक अनुभव नहीं होगा। खीर का भी स्वाद लेना हो ना, बादाम के हलवे का भी स्वाद लेना हो, लोक में किसी भी विषय का अनुभव करना हो और आपके दिमाग में उसके संबंध में विकल्प खड़े हो रहे हैं, कितना बादाम लगा है कि कितना घी लग गया है, कितनी मेहनत हो गई है बनाने में, तो आप हलवे का स्वाद नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ निर्विकल्प अनुभव और निर्विकल्प आनंद की बहुत सुंदर चर्चा की जा रही है। और उस आनंद का आधार क्या है? उस आनंद का आधार है अपना स्वयं का ज्ञायक आत्म तत्व। वही सुख का आधार है, और बाकी जितने पदार्थ हैं उसे छोड़कर वे सभी दुख के हेतु बनते हैं। इस बात को एक नए श्लोक के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। 45 नंबर का यह श्लोक है जहां से बात आगे बढ़ानी है। पर है परस्ततो दुख मात्मय आत्मा तत है सुखम, अतएव महात्मान तन्निमित्तं कृतोद्यमः। बहुत सुंदर कह दिया है। पर है परस, पर तो पर है, पर है पर, पर है पर, पर पर है भाई साहब, दूसरे तो दूसरे ही होते हैं। ये वाक्य आप लोगों ने कई बार बोला होगा कि साहब कुछ भी कहो, अपने तो अपने ही होते हैं। क्या अपने तो अपने ही होते हैं? मतलब इसमें यह बात छिपी हुई है कि पर तो पर ही होते हैं, दूसरे तो दूसरे ही होते हैं। ये कह रहे हैं ततः दुखम, जो अपने नहीं है वहां सुख नहीं हो सकता। परायेपन में सुख नहीं है, अपनेपन में आनंद है। जो अपना है उसमें आनंद है, जो अपना नहीं है उसमें कितनी भी फैसिलिटी हो, कितनी भी अनुकूलता हो, लेकिन मजा नहीं। पंकज जी के पास में कितनी भी महंगी गाड़ी हो, मुझे क्या मतलब, बात है इसमें क्या है? उनकी वो जाने, मेरी मैं जानू। मेरा सुख मुझसे है और पर से दुख होता है। जहां जहां ये जीव पर के चक्कर में लगा रहा
वहाँ यह जीव सुखी नहीं हो सकता, यह जीव दुखी ही बना रहेगा। तो परह परस ततो दुखम, पर पर है, दूसरे अन्य हैं और वहाँ दुख है। आगे क्या कहा, आत्मेव आत्मा ततः सुखम, अपना तो आत्मा ही है और उससे सुख है, सुख होता है। क्या क्या पर हैं, शरीर पर हैं, घर बार महल मकान स्त्री पुत्र आदि सब पर हैं। आपको यदि ऐसा लगता हो कि बच्चों से सुख है, आपको यदि ऐसा लगता हो पत्नी परिवार से सुख है, तो पहले यह नक्की करो कि वे अपने हैं या नहीं है। हिसाब कर लिया हमने तो निर्णय, अपने ही तो हैं। हम किसी दूसरे की पत्नी बच्चों की बात नहीं कर रहे, यही जो अपने हैं ना उन्हीं को अपना कह रहे हैं। इनसे सुखी हैं हम हमारे परिवार से सुखी हैं, ये अपने ही हैं। तो हम ये कहते हैं एक बार आप निर्णय करो कि ये कितने आपके हैं। कि कैसे निर्णय करें, कि जो वे चाहते हैं उसके विपरीत बोल करके देखो, उससे उल्टा बोल के देखो, तो आपको पता लगेगा वे कितने अपने हैं। माने तुरंत पलट करके सामने जवाब दे देंगे, इससे पता लगता है कि वे अपने नहीं हैं। तो क्या अपना है, बोले अपना आत्मा ही अपना है, इसके अलावा और कोई अपना नहीं है। ये बाहरी पदार्थ जितने भी संयोग हैं ये कुछ भी सुख के कारण नहीं है। यहाँ परस तत्व दुखम कहकर के कह दिया, सुख के कारण तो है ही नहीं, उल्टा आपके दुख के कारण और बनेंगे। जितनी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी ना, उतना उतना आपको लगता है कि हम सुखी होते जाएंगे, लेकिन उतना उतना आप दुखी होते जाएंगे। उतनी उतनी आपकी टेंशनें बढ़ती जाएगी, उतने उतने आपके संकल्प विकल्प बढ़ते जाएंगे। जिसके पास में कुछ नहीं है उसे कोई विकल्प नहीं है, और जिसके पास में बहुत कुछ है उसके विकल्प भी उतने ही ज़्यादा हैं। यहाँ तो विकल्प मुक्ति की बात कर रहे हैं, आप विकल्पों से मुक्त हो जाएं, हमें कोई विकल्प नहीं है। दुनिया भर के विकल्प खड़े होते हैं हमारे दिमाग में, वो खामखा के विकल्प हैं। कल उन विकल्पों की हमने चर्चा की थी, उनका निषेध कर दिया। आत्मा से ही सुख है, इसलिए अतएव, अतएव माने इसलिए महात्मानस, महात्मा पुरुष, महान पुरुष, सज्जन पुरुष, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, महात्मान तन निमित्तम उसके लिए ही कृतोद्यमा प्रयत्न करते हैं। कृत करते हैं, उद्यमा प्रयत्न, कृतोद्यमा प्रयत्न करते हैं। माने महान पुरुषों का प्रयत्न धन के लिए नहीं होता, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। आपका प्रयत्न क्यों धन के लिए दिखाई देता है, बोलो रवि भाई क्यों लगता है, आपका प्रयत्न क्यों लगता है ऐसा, बोलो राजकुमार जी, इनकी तरफ से आप जवाब दे दो, खास दोस्त हो ना आप क्यों दौड़ते हुए दिखाई देते हो, बोलो अनुराग जी। एन भाई कुछ कुछ कमी है आपके पास में आज, कमी नहीं, उसमें सुखी प्रतीति देखते हैं, उसमें लगता है हमारे को सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, और आज तक नहीं मिला। और फिर भी देखो कई जगह में कई लोगों से पूछता हूं तो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं प्रतीक भाई मेरे को, क्या करें पंडित जी हमें तो जरूरत नहीं है फैमिली के लिए करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है, हमारी तो जैसी बीत गई वैसी बीत जाएगी, और क्या है, हम तो सूखी रोटी खा करके भी जी लेंगे हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, हमारी तो आधी से ज्यादा तो निकल गई कि नहीं आधी से ज्यादा, नहीं नहीं पंडित जी अभी तो उम्र ही क्या है हमारी आप युवा लोगों के सामने बैठे हो आपको पता नहीं है क्या अभी तो उम्र ही क्या है। अच्छा कोई बात नहीं, जितनी बीत गई है उतनी और बची है, इसकी गारंटी है। आपकी एज यदि मान लीजिए 40 वर्ष है, तो 40 तो बीत गए ये तो पक्का है,
लेकिन आगे 40 और हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या पता कब जीवन पूरा हो जाए। आप जो ऐसा सोचते हैं अपने लिए नहीं, औरों के लिए, अपने नहीं, उनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, भाई ये सब किसको धोखा दे रहे हो आप? अपना राग, अपनी आसक्ति घटती नहीं है, इसलिए अपनी आसक्ति को हम बच्चों का, परिवार वालों का नाम लेकर के पोषण करना चाहते हैं। सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। मैं कभी कभी जब इस तरह की बातें करता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, आज ज़माना कितना बदल गया है। आज के यदि 20 साल पहले कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता कि फेस टू फेस बात होगी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, तो आप क्या कहते हैं? ऐसा भी होता है क्या? आज के 40 साल पहले यदि कोई व्यक्ति ये बात कहता कि ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिस टेक्नोलॉजी के अंदर आप इधर से पेपर डालो तो उधर से निकल जाएगा, चले थे ना बीच में फैक्स, और जब वो चले थे उसके पहले यदि कोई ऐसी बातें करता तो कहते ऐसा कैसे हो सकता है, तो असंभव है। इधर से कोई चीज डालो और मुंबई में निकल जाए, यहां से कोई चीज डालो और दिल्ली में निकल जाए, नहीं हो ही नहीं सकता, हो गया। लेकिन कितनी कितनी बातें, अनगिनती घटनाएं ऐसी घटी हैं पिछले 15-20 सालों की टेक्नोलॉजी में, जिनको देख करके हमारे को ऐसा लगता है कि यार ये तो चमत्कार जैसा हो गया। और आज के 50-100 साल पहले वाले किसी व्यक्ति को यदि यहाँ ला करके बिठा दो तो पागल हो जाएगा, ये हो क्या रहा है, ये ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आपको अंदाजा नहीं है कि आगे क्या बातें आने वाली हैं, आगे क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। बोलो, कल्पना कर सकते हो आप कि आगे क्या होगा? सोच सकते हो? जिस तरह से आज के 10-20 साल पहले, 10 से ज्यादा साल हुए होंगे, फेस टू फेस बात करने की बात को आश्चर्य माना जाता था, लेकिन हो रहा है ना ऐसा। और कोई बात करता था तो हंसते थे। और यदि मैं आपको आज इस तरह की बात कहूं कि यदि आपके यहाँ भोजन बना है और आप बात कर रहे हैं इंडिया और बात चल रही है, तो बोले क्या खा रहे हो आप? कि आज तो डोसे बने, कि मुझे भी खाने हैं, ये ले। हंस रहे हैं ना आप लोग? हंस लो, कोई बात नहीं, हंस लो आप। नहीं हो सकता है। जब एक पेपर इधर से डालने पर उधर निकल सकता है, जब फैक्स हो सकता है, जब ईमेल हो सकती है, जब बड़ी बड़ी फाइल्स ट्रांसफर हो सकती है, तो डोसे क्या चीज है? थोड़े दिनों में हो जाएगा, हो रहा है ना सब। हाँ और क्या, रोटी मेकर से हो रहा है, इससे हो रहा है, यहाँ से वहां पहुंच रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ऑर्डर कर रहे हैं अपन, पिज्जा ऑर्डर हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, आपकी डिलीवरी हो रही है घर पे, क्या क्या काम हो रहे हैं। तो नहीं हो सकता है ऐसा कि नहीं नहीं साहब ये तो कुछ आपने ज्यादा ही कह दी। ज्यादा नहीं कही है, आपको पता नहीं है। कई ऐसे सीरियल आते हैं यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन हमारे वहाँ इंडिया में देखते हैं बच्चे टीवी पर, डोरेमोन जैसे सीरियल आते हैं बहुत सारे, गैजेट्स ऐसे बनाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, वो टाइम मशीन पे बैठ जाता है, वो इधर से उधर चला जाता है, वो ऐसे ऐसे एक फैन होता है अपने सर पे लगाता है और उड़ जाता है। बोला ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो कैसा लगे आपको? कोई प्लेन का झंझट नहीं, कोई एरोप्लेन का झंझट नहीं, टिकट बुक कराने का नहीं, ऐसे ऐसे आ गए फैन आ गए हैं, बस अपने सर पे लगाओ, बस बालों वाले के सर पे नहीं लगेगा। नहीं वो पेस्ट होगा ना फिर, बालों वाले के गिर जाएगा। अरे तो कोई बात नहीं यार, साफ करा करके चले जाएंगे हम, तो क्या है, वापस हो जाएंगे, उसमें क्या है। साफ कर, अरे क्या फर्क पड़ गया उसमें, नहीं जा सकते, ये लगाया यहाँ और ये 15 मिनट के अंदर इंडिया। नहीं हो सकता ऐसा। आप सब हंस रहे हैं, आपको सबको लग रहा है ऐसा भी कोई हो सकता है कि आपको मजाक लग रही है, लेकिन भाई साहब ऐसी टेक्नोलॉजी की चर्चा करते हैं, 200 साल आगे चले गए आप, टाइम मशीन में बैठ करके 200 साल पीछे चले गए,
सौ दो सौ पाँच सौ साल आगे ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यदि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि मरते समय आप अपने साथ में जो ले जाना चाहें इधर डालें और अगले जन्म में। हाँ ऐसा ऐसा होता है, वो सब अलग चीज़ है। ये अभी ऐसा हो सकता है कि नहीं कि यहाँ से आप कुछ डालो और अगले जन्म में निकल जाए अपने साथ में? नहीं हो सकता। हो सकता है भाई साहब? अरे कर्म की बात नहीं कर रहा मैं, तो गोल्ड की बात कर रहा हूँ, प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ। बोलो आपको लगता है नहीं नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता है। हो गया तो अरे तब देखेंगे। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ आप कल्पना करो यदि हो गया तो जो आप अभी तक बच्चों के लिए कमा रहे थे वो कौन कौन छोड़ के जाएगा? कोई नहीं छोड़ करके जाएगा। अभी तो इसलिए बच्चों का नाम लगाते हैं कि क्या करें, भोगने की सामर्थ्य नहीं है और साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। क्या कि नहीं नहीं हम छोड़ के जाएंगे कि नहीं तुम तो मत छोड़ के जाना। कोई बच्चा पलट करके जवाब दे दे वे ऐसा कि छोड़ के जाएंगे कहते रहते मत छोड़ के जाना, ले जाना। क्या करूं, ले जा ही नहीं सकता। जिनमें हमारे को लग रहा है जिस दिशा में हम दौड़ रहे हैं हमें लगता है कि इसमें हमारे को सुख मिलेगा, ये कहते हैं तत है दुखम, उससे दुख है भाई साहब, उसकी संभाल में दुख है, उसको इकट्ठा करने में दुख है, उसको जोड़ने में दुख है, उसकी सुरक्षा में दुख है और उसे भोगने में दुख है। ये सारी बातें पीछे कही जा चुकी है। इसलिए अतएव महात्मानः, इसलिए जो महान पुरुष हैं, जो महात्मा पुरुष हैं, तन निमित्तम कृतोद्यमा, उसके निमित्त से कौन सा, आत्मैव ततः सुखम, आत्मा से ही सुख है, अपने में ही सुख है, अपने में ही आनंद है, ऐसा विचार करते हुए महात्मा पुरुष उस आत्मा की प्राप्ति का ही प्रयास करते हैं, उस आत्मा में समा जाने का, उस आत्मा में डूब जाने का, उस आत्मा का अवलंबन लेने के लिए ही प्रयत्न किया करते हैं, कृत उद्यमा उद्यम करते हैं। साहब कोई बात नहीं, भले ही आत्मा में अनुराग की कितनी भी प्रेरणा दी हो लेकिन फिर भी ये जो शरीर है, ये जो स्त्री पुत्रादिक हैं, इनके प्रति अपनापन कर लिया तो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया क्या? अपने थे, अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले थे, इनके प्रति अपनेपन में आपको तकलीफ क्या है? कि भाई हमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो आपको ही भुगतनी पड़ेगी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या तकलीफ होगी कि ये कह रहे हैं इसका फल चतुर्गति में परिभ्रमण है, इसका फल चारों गतियों में नवीन नवीन शरीर की प्राप्ति है। जो शरीर के प्रति अपनापन करता है उसे शरीर मिले बिना नहीं रहता। देखिए यही बात आगामी श्लोक में कहते हैं 46 नंबर, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जन्तो समीप्यम् न जातु जन्तो समीप्यम् चतुर्गतिषु मुञ्चति। देखिए अविद्वान जो विद्वान नहीं है, पुद्गल द्रव्यम पुद्गल द्रव्यों को, यो माने जो अभिनंदति अभिनंदन करता है, अभिनंदति चाहता है, अभिनंदन करता है, पसंद करता है, सम्मान करता है, तस्य माने उसके, ततः माने वह, न माने नहीं, जातु माने कभी भी जंतु जीव को, सामीप्य समीपता साथ, चतुर्गतिषु चारों गतियों में, मुंचति छोड़ता है, न दिया था बीच में नहीं, जो जीव जो बहिरात्मा जो अविद्वान, अविद्वानों की बात कर रहे हैं विद्वानों की नहीं। अविद्वान माने क्या होता है? अरे साहब पंडित जी आप तो विद्वान हो, कि हम विद्वान हैं तो आप कौन हैं?
जो विद्वान नहीं होते वो मूर्ख होते। विद्वान का ऑपोजिट क्या होता है? आप भी विद्वान हैं। विद धातु ज्ञान के अर्थ में प्रयोग की जाती है। विद्वान जो ज्ञानवान होते हैं वे सब विद्वान हैं। जो समझदार हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, जो ज्ञानी हैं, वे सब विद्वान हैं। यहाँ अविद्वान शब्द का प्रयोग बहिरात्मा के अर्थ में किया है। अब बहिरात्मा नहीं जानते होंगे कुछ पीछे लोग, बहिरात्मा क्या होता है बोलो जयपुर वाले, बहिरात्मा क्या है? बहिरात्मा माने बोलो सुधीर जी, बहिरात्मा क्या होता है? एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी पीछे, बहिरात्मा नहीं समझते, बाहरी तत्व जो आत्मा के बाहर है। सीधा सीधा सा सरल अर्थ, शरीर को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर शरीर आदि जितने बाहरी पदार्थ हैं उनमें आत्मपन की कल्पना, बाहर में आत्मपन की कल्पना, वो बहिरात्मा। छोटे छोटे से शब्द हैं, आप इनका अभ्यास होना बहुत जरूरी है। मतलब इनका यदि अभ्यास नहीं होगा ना तो फिर अगली बार मेरे को आने में मजा नहीं आएगा क्या? हो सकता है मैं ना भी आऊं। तो मतलब आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी, ये साल भर का कोर्स है। ये आज छुटकारा मिल जाएगा कि दो दिन बाद और छुटकारा मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं है। मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भूत जैसा हूँ। रात को नींद नहीं आएगी, ध्यान रखना, सोने नहीं दूंगा, सपनों में आकर के डराऊंगा। माने ये आपको पता होना चाहिए बहिरात्मा क्या होता है, अंतरात्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, द्रव्य क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। ये छोटी छोटी सी बातों की खबर होनी चाहिए आपको। मुझे मालूम है सबकी खबर रखते हो आप, लेकिन अपने आप की खबर भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जो अविद्वान है, माने कौन है अविद्वान कि उसे अविद्वान कहकर के पुकारा गया है? जो पुद्गल द्रव्य को अभिनंदता है, पुद्गल के प्रति अपनापन करता है, पुद्गल को चाहता है, देह को चाहता है, संयोगों को चाहता है, उसका सम्मान करता है, उसका आदर करता है, जो पुद्गल से प्रभावित होता है वो बहिरात्मा है। जो पुद्गल से प्रभावित होता है वो अविद्वान है, वो अज्ञानी है, वो मूढ़ है। बहिरात्मा कहकर के पुकारा है उसे। क्या होगा उसे कि चतुर गति में शरीर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ये कह रहे हैं। शरीर के प्रति अपनापन नवीन शरीर धारण करने का हेतु बन जाता है। शरीर को जो चाहते हैं शरीर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। देह मिलेगी आपको, फिर दोबारा मिलेगी। एक बार छोड़ दिया कि फिर मिलेगी, एक बार छूट गई कि फिर मिलेगी। ये क्यों मिलेगी? जिनका शरीर के प्रति अपनापन होता है उन्हें शरीर मिलता है, और जिनका शरीर के प्रति अपनापन टूट जाता है उन्हें अशरीरी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। अशरीरी माने सिद्ध भगवान। कि हाँ अशरीरी में क्या मजा है, शरीर हो शरीरी नहीं हो तो फिर मजा क्या आएगा? कि भाई साहब सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं। यही शरीर तो दुखों को भोगने का माध्यम कहा था हमने, शरीर को कष्ट भोगने का माध्यम है। सिद्ध भगवान को भूख लगती होगी कि नहीं? ये शरीर ही नहीं है, भूख किसको लगेगी? पेट भरने की चिंता होगी कि नहीं? ये शरीर ही नहीं है। जितने झगड़े हैं सारे शरीर को लेकर के खड़े हैं। अब शरीर ही नहीं है तो ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना भूख है, ना प्यास है, ना तकलीफ है, ना पीड़ा है, ना बीमारियां हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए शरीर की प्राप्ति ये शरीर के प्रति अपनेपन से होती है। देह के प्रति अपनेपन का त्याग करो और अपने में अपनापन करो, ये प्रेरणा यहाँ दी गई। ये शरीर के प्रति अपनापन कर रहा हूँ, इससे नया शरीर मिल जाएगा तो इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ यही है ना कि नया नया मिलता रहता है, और ये शरीर के प्रति तेरा प्रेम एक तरफा प्रेम है, वन साइडेड है। तू ही करता है इसके प्रति प्रेम, शरीर से पूछ वो तुझे कितना चाहता है। ये शरीर को तो हमारी खबर ही नहीं, सिंगल साइड हो रहा है ना, एक ही तरफ तो हो रहा है कि नहीं? नहीं, मैं सोच रहा हूं शरीर के बारे में, और शरीर की स्थिति ऐसी है कि तुम इसको कितना भी संभालते रहो अंत समय में बिगड़ेगा। डे बाय डे क्या होगा? बिगड़ना ही है। आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, कम कम सुनने लगे। आज तो सब सुनाई दे रहा है आपको युवा अवस्था में,
लेकिन आपको कल्पना नहीं है जब ये कान काम करना बंद कर देंगे तब क्या होगा। आइडिया है किसी को, किसी के कान में मशीन तो नहीं है यहाँ, सबको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, आपको थोड़ा कम सुनाई देता है, बराबर मेरी तो सुनाई दे रही है ना, बस इतना बहुत है। इधर उधर की सुन, अच्छा है ज्यादा सुनना भी नहीं, किस किस की सुने। हाँ सही, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुणभद्राचार्य देव ने लिखा है ऐसा आत्मानुशासन में कि मानो बच्चे पोतों की घरी खोटी ना सुननी पड़े, इसलिए अंत समय में कान कमजोर हो गए। ऐसे ऐसे शब्द लिखे, हमसे देखा नहीं जाता, हमसे देखा नहीं जाता। बार बार में जब आप इस तरह की बातें बच्चों को कहते थे, अरे यार हमसे देखा नहीं जाता यार ये किस तरह से पैसा बर्बाद करते, हमसे देखा नहीं जाता ये किस तरह से काम करते हैं, कि सुन तुझसे नहीं देखा जाता था, तेरी आंखें कमजोर हो गई, अब ये चिंतामणि है, जो मांगोगे वो मिलेगा। आपको आइडिया चाहिए थोड़ा सा, रवि भाई मशीन तो नहीं है आपके कान में? नहीं है ना, बिना मशीन के सुनते हो, अच्छे हैं यार कान आपके, क्या बात कर रहे हो, खराब हुए। आपको आइडिया चाहिए किसी को, किसी को एक्सपीरियंस लेना है कान खराब होने पे क्या होगा, ऐसा एक्सपीरियंस लेना है किसी को? बोलो भाई सुनील भाई, बिल्कुल नहीं आपको भाई साहब, वो जयपुर वाले कहाँ गए यार, वो पीछे भाई साहब, हाँ बोलो, नहीं यार एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो कभी कभी क्या कहता है ये इधर उधर की बातों के बारे में, क्या एक बार तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। हो जाता है जब कोई ना दूसरे कमरे से, क्यों पंकज भाई सही कह रहा हूँ ना, एक बार टेस्ट करके देखो यार, एक बार तो, एक बार तो पी के देखो, एक बार तो होना ही चाहिए एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो कभी ऐसा मन नहीं होता कि ऐसा एक्सपीरियंस भी लेके देखें अपन, कान खराब होगी तो क्या होगा, घुटने जवाब देंगे तो क्या होगा, ये ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी तो क्या होगा। अरे सब फेस करते हैं, बर्दाश्त नहीं होगी वो चीज, ऐसी स्थिति होती है। मैं आपको आइडिया देता हूँ प्रतीक भाई, कई बार फेस की है आपने उस स्थिति को, जब आप किसी ऐसे एरिया में खड़े होकर मोबाइल से बात कर रहे हो जहाँ नेटवर्क कम आ रहा हो, किए कभी बात ऐसे, नेटवर्क कम आ रहा है, अब क्या होता है, सुनाई नहीं देता, देता तो है, कट कट के आती है आवाज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं नेटवर्क कम आ रहा है। जब वो नेटवर्क कम आता है ना तो आने वाली आवाज कट कट करके आती है, और एक मिनट यदि हमारे को बात करनी हो फोन पर और कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो ऐसे करता है, बार बार में ऐसे देखता है, है? अरे यार ये क्या है यार, क्या परेशानी है, है? हाँ 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 हूँ करता रहता है, समझ में नहीं आती है एक मिनट के अंदर क्या हालत होती है हमारी, ऐसा लगता है। और कोई कहे बगल में खड़ा हुआ कि ये डब्बा हो गया, इसको पटक दो अब नया ले लो ये फोन, कैसा लगने लगता है हमारे को, एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सुनो जब ये कान खराब होंगे तो पूरी लाइफ ऐसे ही बितानी पड़ेगी आपको, आधे शब्द सुनाई देंगे और आधे नहीं सुनाई देंगे, कुछ शब्द कान के माध्यम से अंदर जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे, ऐसी हालत होती है। कितना भी लगा लेना ऊपर से मशीन और कितना भी करा लेना ऑपरेट, ये ऐसी बुढ़ापे की स्थिति है, कान में आवाज बजने लग जाती है, वो नॉन स्टॉप बजती रहती है, वो इतना इरिटेट करती है कि आप सोच नहीं सकते हो, परेशान होते हैं। सुना है मैंने लोगों से, देखा है लोगों को, ऐसी हालत ना हो उसके लिए कह रहे हैं कि शरीर छूटने के पहले पहले शरीर से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति हो जाए। कल पूछ रहे थे समाधि के बारे में चर्चा चल रही थी लास्ट में प्रश्नोत्तरों में, समाधि कैसे होती है, संलेखना कैसे होती है, समाधि मरण क्या है, सामायिक क्या चीज है, ये किसका नाम है समाधि मरण, कि शरीर छूटने के पहले पहले शरीर के प्रति अपनापन छूट जाए उसका नाम समाधि है, शरीर छूटे और अपनापन ना टूटे उसका नाम मरण है। मरण तो सबका होना है, देह तो सबकी छूटनी है, लेकिन देह छूटने के पहले पहले देह से अपनापन जिसका टूट गया उसका समाधि मरण हो गया। ये अपनापन तोड़ने का काम है, अपनापन तोड़ने के लिए कह रहे हैं। देखो न जातु मरे कभी भी नहीं मुंचति छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता, चतुर्गतिषु चारों गतियों में सामीप्यम साथ जंतु प्राणी का, ये शरीर आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा,
कि साहब क्या बात कर रहे हो, शरीर तो यहीं छूट जाएगा, ये शरीर कहाँ जाएगा साथ में? शरीर भी जाता है क्या कहीं अगले जन्म में साथ में? आप कह रहे हो साथ नहीं छोड़ेगा। ये सुनो भाई, शरीर से मुक्त आज तक कभी हुआ नहीं है। एक बार यदि ये शरीर से मुक्त हो गया होता तो फिर दोबारा शरीर नहीं मिलता। शरीर भी पांच है। अभी सब नई नई जैसी बातें लगती है लोगों को, पांच शरीर है मालूम है आपको? शरीर पांच प्रकार के होते हैं और पांच में से एट ए टाइम हमारे पास में अभी तीन शरीर हैं। आप तो एक शरीर समझ रहे हैं सुधीर भाई, ऐसा लग रहा है एक ही शरीर है। एक नहीं है, इसके अंदर दो और है। ये शरीर छूट जाएगा लेकिन अंदर में जो एक तेजस नाम का शरीर है और एक कार्मण नाम का शरीर है, कार्मिक बॉडी, वो अंदर मौजूद है। वो कर्म है, कर्म वर्गणाएं जो आत्मा के साथ में चिपकी हुई है, ये सभी शरीर छूट जाने पर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये शरीर छोड़ने की यहाँ प्रेरणा दी गई। और देखो अभिनंदति, मूर्खों के संबंध में क्या बातें कही है, ये अभिनंदति शब्द ऐसा दिया है, खुश होता है। अभी इतना सा कह दूं ना मैं कि यार आपके दांत तो बहुत अच्छे लगे, तो देखो आप इतना सा किसी का नाम लेकर के कह दो तो हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग लेकर के जयपुर भेज दे, इंडिया भेज दे कि आज देखो मेरे दांतों की कितनी प्रशंसा की। आप कहते रहते थे पेश नहीं करता है, दांत पीले हो रहे हैं। आज पंडित जी प्रशंसा कर रहे थे मेरे दांतों की कि तुम्हारी नहीं कर रहे थे, दांतों की कर रहे थे। ये पड़ोसी की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा समझता है, दूसरों की तारीफ को अपनी तारीफ समझता है। ये कितने बड़े धोखे में है हम, दूसरे की निंदा को अपनी निंदा समझता है। और जो आत्मनिंदा और प्रशंसा से ऊपर उठ गए हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। यह बात आगामी श्लोक में कहते हैं। देखिए आप, चर्चाएं तो बहुत है करने योग्य है, लेकिन दो श्लोक अभी हमारे को और लेने हैं इस सेशन में। 47 नंबर श्लोक देखिए। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चिद्योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, किसान शरीर छूट जाएगा, शरीर भिन्न है, शरीर को अपना नहीं मानने की प्रेरणा दी, शरीर के प्रति अनुराग करोगे तो शरीर मिलता रहेगा, जन्म मरण होते रहेंगे, चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहेगा, तो क्या करें, शरीर को छोड़ो और अपने में स्थित हो जाओ। ये प्रेरणा यहाँ दी जा रही है। आत्मानुष्ठानम, आत्मा के ध्यान में निष्ठस्य, जो लीन है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्म स्वरूप में जो लीन है, और कैसे, व्यवहार बहिः, व्यवहार से जो बाहर है, सर्व व्यवहार जिनके टूट गए, आत्मा में स्थित योगी की बात कर रहे हैं, बहुत उत्कृष्ट लेवल की बात है, आपके हमारे जैसे लोगों की बात नहीं है, इस लेवल से बहुत ऊपर उठकर जिनके सारे विकल्प टूट गए हैं, जो पांचों इंद्रियों के विषयों से तो बहुत पहले विरक्त हो ही गए थे, जो त्यागी हो गए थे, जो मुनि हो गए थे, मुनि बनने के बाद भी अब जिनके आहार विहार आदि क्रियाएं भी रुक गई है, शुभोपयोग भी जिनका रुक गया है, शुभ परिणाम भी जिनको नहीं आते, यहां तक कि ग्रंथ लेखन का और उपदेश देने का भाव भी जिनके रुक गया है, आत्मा संबंधी विकल्प भी जिनके टूट गए हैं, और सर्व विकल्पों को तोड़कर जो अपने आत्मा में ही लीन हो गए हैं, उनकी चर्चा चल रही है, उन योगियों की बात चल रही है। धीरे धीरे अब अंत तक पहुंच रहे हैं ना, तो कहां तक पहुंचाएंगे, बस ये 48 तक करेंगे चर्चा अपन, फिर उसके बाद में फिर वापस अपनी चर्चा पर आ जाएंगे। 47 और 48 मुनिराजों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं भाई साहब, मुनिराजों की चर्चा कि आप समझ लो एक बार मुनि अवस्था होने में क्या आनंद है, कैसा सुख है। ये ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, वो दिन कब आएगा,
हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्म राम का, वो अवस्था कब होगी? वो संयम की अवस्था। ये मनुष्य जन्म मिला है संयम अंगीकार करने के लिए मिला है भाई साहब। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम में है, बाकी में कुछ दम नहीं है। खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं, त्रियंच गति के जीव भी करते हैं, खाते हैं पीते हैं भूखते हैं सोते हैं, सब जो जो काम आप करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं करते हो। हाँ, एक काम आप एक्स्ट्रा करते हो कमाने का, उनको कमाना भी नहीं पड़ता। वो त्रियंच गति के जीव कमाते भी नहीं, पशु पक्षियों की बात कर रहा हूं मैं। मैंने हम जहां उलझे रहते हैं इतनी उलझने वहां नहीं है। मनुष्य जीवन यदि हमारे को प्राप्त किया है तो कुछ अलग हटके काम होना चाहिए। और इस पंचम काल में लोग कहते हैं मोक्ष नहीं है, कोई बात नहीं, भली मोक्ष न हो मुनि अवस्था तक तो जा सकते हैं। ये बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे पंचम काल की जगह चौथा काल होता तो सीधा मोक्ष चला जाता। बातें ऐसी होती है हमारी, क्या करें साहब पंचम काल है, क्या करें साहब पंचम काल है, क्या करें साहब भरत क्षेत्र में आ गए हैं। जैसे विदेह क्षेत्र में होता तो अभी अभी तक तो मोक्ष हो गया होता, अनंत बार जाकर के आया है, अनंत बार विदेह क्षेत्र में जाकर के आया है, अनंत बार चौथे काल में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ। ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, ये कितने बहाने बनाता है, बहाने बनाता रहता है। अरे भाई बहाने मत बना, जितना हो सकता है उतना तो कर। ये नहीं नहीं साहब हो ही नहीं सकता है, मैं क्या करूं साहब, कितना भी कमा लूं मैं लेकिन फिर भी अरबों खरबों की संपत्ति तो नहीं हो सकती है, इसलिए इससे अच्छा है फिर अब क्या करूं, इसलिए मैं तो बैठा हूं। जैसे जितना हो सकता है उतना कर, जितना संभव है उतना करता है कि नहीं व्यक्ति, प्रयास करता है कि नहीं। ये कह रहे हैं आत्मध्यानी व्यक्ति वही स्थित है, व्यवहार वही व्यवहार से बाह्य होकर स्थित रहते हैं, उनको क्या होता है, जायते परमानंद है। जायते माने उत्पन्न होता है, परमानंद है, परमानंद कश्चित कोई अपूर्व, योगेन योग के द्वारा, योगेन साधना के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योगिन है योगियों के, जो योगी होते हैं जो आत्मध्यानी होते हैं उन्हें आत्मध्यान के द्वारा सर्व विकल्प टूट जाने पर कोई अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। कैसा आनंद होता होगा हम उस आनंद की कोई उपमा नहीं दे सकते, हम उस आनंद के बारे में आपको कुछ नहीं कह सकते। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, चेहड़ाला की लाइनें याद आ रही है मुझे, वे लिखते हैं छठी ढाल में, पहले आत्मा का स्वरूप बतलाया फिर उसके चिंतन करने की बात कही, फिर कहा यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो। समझ में आ रही है कुछ बात? यो चिंत, इस प्रकार चिंतन करके, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करके, निज में थिर भये तिन अकथ नहीं कहा जा सकता, ऐसा जो आनंद लयो, आनंद की प्राप्ति हुई। ये लाइन भूली अभी मैंने, यो चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही गयो। ओ, वो ऐसा आनंद है जो आनंद इंद्रों के नहीं है, जो आनंद अहम इंद्रों के नहीं है, जो आनंद सुरेंद्र के नहीं है। क्या ऐसा आनंद सुरेंद्र हो चाहे नरेंद्र हो चाहे महेंद्र हो चाहे अहमिंद्र हो, कोई भी हो, इंद्रों के उस आनंद की प्राप्ति नहीं है। वो ऐसा आनंद हमारे मुनिराज एक क्षण मात्र में भोगते हैं, ये ऐसा परम आनंद है, ऐसा परम उत्कृष्ट आनंद है। ऐसे आत्म ध्यान की महिमा यहाँ बतलाई गई। देखिए आहार विहार आदि समस्त क्रियाएं छोड़कर, शुभ चारित्र को भी छोड़कर शुद्धोपयोग में तल्लीन होने की बात कही है। शुभोपयोग छूटा और शुद्धोपयोग में तल्लीन हो गए। यहां तक कि देखिए आत्मा संबंधी विकल्प भी जब तक खड़े होते हैं तब तक आनंद नहीं आता, विकल्प जब तक है तब तक आनंद नहीं, विकल्प टूटे और आनंद की उत्पत्ति हो गई।
जैसे देखो आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, थोड़ा समझने का प्रयास करना आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा में कौन कौन से गुण हैं, अपनी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, आत्मा अमूर्तिक है या मूर्तिक है, कैसे पकड़ में आता है, ज्ञान से पकड़ में आता है। मैं अपने को फील करने का प्रयास करूँ, मैं एक हूँ तो एक कह करके क्या कहना चाहते हैं, शुद्ध कह करके क्या कहना चाहते हैं। वहाँ समय सार की 73वीं गाथा का जहाँ वर्णन किया है उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा है मैं एक की व्याख्या की, अहम एक को, ये जो शब्द आया था ना उसमें 27वें श्लोक में, उस एक शब्द की व्याख्या करते हुए अमृत चंद्र स्वामी ने वहां कहा है उसकी टीका करते हुए, मैं कैसा, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं, ये एक की व्याख्या की उन्होंने। फिर एक एक शब्द के अंदर खूब मर्म भरा हुआ है, बहुत विस्तार से उनकी चर्चाएं शास्त्रकारों और व्याख्याकारों ने की है। तो ये किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये कैसे आनंद की, निर्विकल्प विकल्प है आत्मा, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जब ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र भेद खड़े हो गए। देखो सुनो, समझने में विकल्प है, समा जाओगे तो निर्विकल्प अवस्था होगी। आपके यहाँ फैन में कितनी पंखुड़ियां हैं, क्या हो गया, कोई कह रहा है चार, कोई कह रहा है पांच, फैन तो दिख रहा है ऊपर माथे पे, वो कह रहे हैं तीन, सब अलग अलग है, तो ये सब अलग अलग है, यहाँ तो चार दिख रहे हैं, एक कह रहे हैं तीन, एक कह रहे हैं चार, एक कह रहे हैं पांच, उसका क्या होगा, है ही नहीं। सुनो एक काम करो, फैन बंद करके देख लो, पता लग जाए वो बंद है। जब बंद होता है, जब नहीं चल रहा होता है तो तीन दिखती है पंखुड़ियां, ठीक है ना, और जब तीन नहीं दिखती है तो हवा आती है, आपको हवा का आनंद लेना हो तो तीन दिखना बंद करना पड़ेगा, चार दिखना बंद होना पड़ेगा, पांच ना दिखे तो हवा का आनंद आएगा। जब तक पांच दिखती रहेगी, जब तक चार दिखती रहेंगी तब तक हवा का आनंद नहीं आएगा। और यदि आप ये कहो कि मुझे हवा का आनंद तो लेना है लेकिन दिखाओ पहले चार है या नहीं है, कि दिखा देते हैं हवा का आनंद नहीं आएगा, बोलो। माने यदि आपको इसका आनंद लेना है तो फिर सब हटा दें इसमें से, कि हटाएंगे भी नहीं, हट जाएंगी तो भी आनंद नहीं आएगा, दिखती रहेंगी तो भी आनंद नहीं आएगा। इसी तरह से भाई साहब आत्मा में जब तक आपको ये विकल्पात्मक रूप से उसके गुण दिखते रहेंगे, ज्ञान है, दर्शन है, ये विकल्प खड़ा होता रहेगा तब तक आत्मा का आनंद नहीं आएगा। ये ज्ञान आदि गुण बने रहें और ये दिखना बंद हो जाए तो आत्मा का आनंद आता है, कोई अपूर्व आनंद है भाई। ये योगियों के माध्यम से ऐसे ही नहीं छोड़ा गया है सब कुछ, इनको सब कुछ छोड़ने के पीछे कुछ तो बात थी, वो क्या बात थी, क्या किया उन्होंने, उस आनंद का काम क्या है, ये एक श्लोक और है आगे जिसमें बता रहे हैं। देखिए 48 की तरफ बढ़ जाते हैं अपन आगे। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखेश्व चेतन है। इतने सुंदर, उस आनंद में क्या होता है, उस आनंद के माध्यम से क्या मिलेगा। आनंदो, आनंद किस चीज का आनंद, किसके आनंद की बात कर रहे हैं अयन भाई, अपने आत्मा में लीन होने के आनंद की बात कर रहे हैं, उसका जो आनंद है, आत्मा में लीन होने पर जो आनंद है, आत्मा का ध्यान करने पर जो आनंद है, निर्दहती, ओहो निर्दहती जला देता है, उद्धम बहुत सारे कर्म इंधनम कर्म रूपी समूह को, अनारतम निरंतर, क्या शब्द कहे, वह आनंद, आत्मा का आनंद, आत्मा के लीनता की दशा, निर्दहती जला देती है, उद्धम माने बहुत सारे, निर्दहत्युद्धम बहुत सारे जला देती हैं, कर्मेंधनम कर्म रूपी ईंधनों को, निरंतर अनारतम निरंतर,
माने निरंतर आत्मा का ध्यान वो बहुत सारे कर्म रूपी ईंधनों को जला देता है। ये आत्म ध्यान का फल है। जगत के जीवों को ऐसा लगता है, देखो उपसर्ग के काल में वे मुनिराज जब आत्म ध्यान करते हैं, जगत के जीवों को ऐसा लगता है शरीर जल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर जलते हुए के काल में भी कर्म जल रहे हैं। सर पे सिगड़ी जल रही है, बोलो। वो थे एक हमारे मुनिराज गुरुदत्त आदि, सुना आपने? द्रोणगिरी से मोक्ष गए। द्रोणागिरी नाम सुना है आपने? बुंदेलखंड का एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, क्षेत्र है। गुरुदत्त आदि मुनिराज वहां से मोक्ष गए, रूई में लपेट करके आग लगा दी थी, जला दिया था। मुक्ति की प्राप्ति हुई उनको, निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखने वाले ये देख रहे हैं, ओ मुनिराज जल रहे हैं, ओ मुनिराज जल रहे हैं। पांडव मुनिराजों को देखो आप, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए। कौरव तो सब मर गए थे, और कौरवों का जो भांजा था उसने देखा कि ये तपस्या कर रहे हैं मुनिराज, ये वही है जिन्होंने मेरे मामाओं को मारा है। गरम गरम लोहे के सरिये थे, उनको आग में तपाया और ऐसे आभूषण जैसे बना करके हाथों में पहना दिए, गले में ऐसे पहना दिए, सारा शरीर जल गया। अज्ञानियों को लगता है मुनिराज जल रहे हैं, लेकिन मुनिराजों से पूछो, हम तो अंदर एसी में बैठे हैं, आत्मा के आनंद में बैठे हैं, अंदर अतिंद्रिय आनंद का स्वाद ले रहे हैं। तुम्हें लग रहा है जल रहा है, जल तो रहा है, लेकिन शरीर जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर में कर्म जल रहे हैं, कर्म जलाए जा रहे हैं। कर्म इंधनम निर्दहति, और क्या होता है, उन कर्म इंधनों के जलने से, आत्म स्वरूप में लीन होने से, न च असौ खिद्यते योगी, खेद खिन्न नहीं होते वे योगी। न माने नहीं, च माने और, असौ माने वह योगी, वह योगी न खिद्यते, खेद खिन्न नहीं होते। बहिर्दुखेषु, बाहरी दुखों में अचेतन है, अनभिज्ञ रहते हुए, हमें कोई मतलब नहीं है यार, जल रहा होगा शरीर, हो रहा होगा उपसर्ग, खा रही होगी शालिनी, क्या फर्क पड़ता है हमारे को। तीन तीन दिन तक शालिनी खाती रही, पता है आपको? सुकुमार नाम के मुनिराज थे हमारे, सुकुमार नाम था उनका। उनके शरीर को तीन दिन तक पूर्व भाव के बैर लेते हुए वो शालिनी और उसके बच्चे वो खाते रहे। इतने कोमल थे कि सरसों के दाने भी जिनको चुभते थे, इतने कोमल थे कि उन्होंने युवावस्था तक अपनी लाइफ में कभी सनलाइट नहीं देखी थी, सूर्य का प्रकाश नहीं देखा था, रत्नों के प्रकाश में पले बड़े हुए थे। उनका जब जन्म हुआ था तो जन्म होते समय भविष्यवेत्ताओं ने घोषणा कर दी थी कि कभी किसी दिगंबर मुनिराज के वचन यदि ये सुन लेगा तो ये दीक्षा ले लेगा, घर छोड़ करके चला जाएगा, और पिताजी दीक्षित हो चुके थे पहले। तो माँ ने इस तरह से रखा उनको कि ये घर से ही नहीं निकले, कभी नगर में किसी दिगंबर मुनि का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और ये घर से कभी निकलेगा नहीं, कभी आवाज सुनने का प्रसंग ही नहीं बनेगा। घर में ही रहते थे, महलों में रहते थे, रत्नों के प्रकाश में रहते थे, फूलों की सैया भी जिनको चुभती थी, सरसों का दाना भी जिनको चुभता था, इतने सुकोमल थे वो, इतने कोमल। लेकिन भाई साहब, होनहार को कौन टाल सकता है? भली होनहार हो तो निमित्त मिल ही जाते हैं। अचानक द्वारपाल कहीं इधर उधर हुआ और नगर में मुनिराज प्रवेश कर गए, वे नजदीक आकर के वहां नगर में बैठ गए, उनकी कुछ आवाज इन्होंने सुनी, और ये मकान में से खिड़की खोल करके वहां कपड़ों के माध्यम से लटक करके नीचे उतर करके चले आए मुनिराज के पास। आकर के इन्होंने दीक्षा ले ली, जमीन पे पांव पहली बार रखा था इन्होंने जिंदगी में, और पहली बार जमीन पर पांव रखा तो पांव रखती खून खून से संगी जमीन, ऐसे इतने कोमल थे। और खून को चाटती हुई सियारनी आ गई वो, और वो आकर के पूर्व भाव का बदला लेकर तीन दिन तक ध्यान अवस्था में खड़े रहे, और तीन दिन तक खाती रही उनके शरीर को, और आत्म ध्यान में मग्न रहे। ये कैसा होता है आत्म ध्यान? बाहर में बाघ खा रहा है, शेर खा रहा है, बाहर में ऐसे उपसर्ग हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं, संकट आ रहे हैं, वो कैसा, जो आनंद में लीन है, जिनको वो आत्मा का आनंद आ रहा है, फिर न खिद्यते, खेत खिन्न नहीं होते। क्यों नहीं खेत खिन्न होते? देखते ही नहीं है, देखो ही मत, देखना बंद कर दो। आप जब उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपसे पूछता हूं, कोई व्यक्ति यदि आपकी निंदा करे, आपको गाली ना देवे, आपको अपशब्द कहे, उल्टा सीधा बोले, तो आपको कैसा लगेगा? बताओ बताओ कैसा लगेगा?
कुछ लोगों को बुरा लगेगा, जिनको अच्छा लग रहा है ना उनका नाम बताओ मेरे को, एक कागज पे नाम लिख करके। मैं प्रैक्टिकल भी करना जानता हूँ, मैं एक मिनट के अंदर कर दूंगा, कौन है नाम लिख करके दो मेरे को, यहाँ बोलो किसको अच्छा लग रहा है बताओ नाम। अब सब चुप हो गए, इतना नाम के प्रति तन्मयता है हमारे को, इतना बुरा लगता है हमारे को किसी का, यदि मैं नाम लिखूं ना अभी यहाँ, और नाम लिखने के बाद भरी सभा में बताऊं इसके ऊपर मैंने ये नाम लिखा है और फिर ऐसा करूंगा इसको, बोलो कैसा लगता है? जरा सोचना, जरा कल्पना करना, आपका नाम लिखा हो इसके ऊपर तो कैसा लगे आपको? क्या मुकेश भाई आपका नहीं लिखा था? कैसा लगता है हमारे को? इतना ही नहीं, और फिर इसको ऐसे 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 फेंको इसको यहाँ, और फिर एक और काम करो कि बाहर से चप्पल ला करके इसको पीटो, ऐसे लगता है मेरे ऊपर चप्पलें मार रहा हूं, बोलो नहीं लगता है? ऐसी फीलिंग होती है हमारी, इतना नाम नाम से जुड़े हुए हैं हम। यहाँ कैसी बात कह रहे हैं, यहाँ खेत खिन्न नहीं होता। अरे यदि आपको यदि कोई ऐसा कहता है, बुरा कहता है, अपशब्द कहता है, गालियां देता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन ये अपयश कीर्ति कर्म का उदय है। चलो मैं इस बात को थोड़ा सा एंगल बदल करके बात करता हूँ। कोई व्यक्ति यदि पीठ पीछे आपकी बुराई करे और आपको पता ना लगे तो आपको कितना बुरा लगता है? पता ही नहीं लगा हमारे को तो बुरा क्यों लगेगा? सीधी सीधी बात है यार, जिस बात का हमारे को पता ही नहीं लगा तो हमें क्यों बुरा लगेगा? कितने लोग कितनी बुराइयां कर रहे हो, हमें पता लगता है तो हमें तकलीफ होती है। तो भाई साहब आप सुनकर के भी अनसुना कर दो ना, क्यों दुखी होते हो? ये जो हमारे महामुनिराज हैं जिनके आनंद की यहाँ चर्चा चल रही है, ये कैसे आनंद को भोगते हैं कि जो हो रहा है ना उसको देखते ही नहीं है, हो रहा होगा, जब ध्यान ही नहीं देते हैं उसकी तरफ तो तकलीफ का वेदन भी नहीं होता है। कितना सरल उपाय है, संकटों से बचने का उपाय संकटों को ना देखना है। मत देखो आप, परकृत होने वाले दुखों से बचने का उपाय पर से हटा लेना है अपने उपयोग को। हमारे महामुनिराज ने, इन्होंने अपने उपयोग को हटा लिया है, सब तरफ से जब उपयोग हटा लिया और एकाग्र कर लिया अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लिया, तो फिर कर्म जलने लगते हैं, कर्म नष्ट होने लगते हैं। दुनिया जले चाहे ना जले, कर्म जरूर जलेंगे। क्या अब ये देखो जल तो रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग जल नहीं रहे, ईर्ष्या से जल रहे हैं, लेकिन कषायों से जल रहे हैं। अभी कषायों की अग्नि जल रही है अंदर में, जब आत्म ध्यान होता है तो कषायों की नहीं ध्यान की अग्नि जलती है, और ध्यान की अग्नि में ये कर्म सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो उपयोग की एकाग्रता का ऐसा फल है जिसके माध्यम से कर्म भी नष्ट होते हैं और सारे संकट और सारी तकलीफ दूर हो जाती है। ऐसा ध्यान करने की यहाँ प्रेरणा दी है, यही कारण है कि हमारे महामुनिराज उपसर्गों के काल में भी, परिषहों के काल में भी शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि तोड़ देने के कारण परम सुखी होते हैं। सच्चे सुख का मार्ग तो यही है, यदि हम सुखी होना चाहते हो तो यही मार्ग हमें अपनाना होगा। देखिए इतनी बात मैंने कह दी है, समापन हो रहा है लगभग, अब 5 मिनट बाद दूसरे सेशन में चर्चा करेंगे। इतनी चर्चा की तो भी बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि साहब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कह दी है पंडित जी, ना तो हमसे ध्यान हो सकता है, न हमसे गृहस्थी छूट सकती है, न हम साधु बन सकते हैं, न हमसे मुनि बना जा सकता है। कि भाई सुनो, लक्ष्य ऊंचा रखो। क्या लक्ष्य तो रखो, कितना कर पाएंगे, कितना हो पाएगा यह तो समय बतलाएगा, लेकिन फिर भी यदि आपको ये लगता है कि यदि ये सब नहीं हो सकता है तो क्या करना चाहिए हमारे को, या हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्तृत्व की चर्चा, मुमुक्षुओं को क्या कर्तृत्व है, यह चर्चा आगामी श्लोक में की है, उसकी चर्चा हम कुछ देर बाद करेंगे।